फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अचार की रेसिपी, और वो भी मिर्च के अचार की रेसिपी। पहले मैंने आपके साथ मिर्च के अचार की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन वो हरी मिर्च का अचार है। वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो लाल मिर्च का अचार है, वो भी सर्दियों में मिलने वाली जो मोटी लाल मिर्च आती है ये उसका अचार है। और इसके एक एक स्टेप जो कि अचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए, वो सब बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ये अचार की रेसिपी है बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही नई तरीके की है। इससे हम जो रेसिपी तैयार करेंगे वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और फीडबैक करके मुझे बताइएगा आपको ये अचार कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं इस अचार के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत है। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें जिन सामानों की जरूरत है वो हम आपको दिखाते हैं, और साथ में ही जो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले कि मैंने आधी किलो लाल मिर्च ली है। सर्दियों के मौसम में ये मिर्च बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में, और जो ये मिर्च है इनको मैंने अच्छे से धोके साफ कर लिया, और करने के बाद ये जो डंठल होते हैं इसे हटा दिया है। अब डंठल को क्यों हटाया हमने, क्योंकि डंठल से अचार जल्दी खराब हो जाता है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं खराब होने के। तो आप इसको हटा दीजिए और उसके बाद बीच में एक ऐसे लंबा कट कर दीजिए, और इसे फिर मैंने एक दिन की अच्छी धूप में सुखा लिया है, क्योंकि मिर्च के अंदर ना लिक्विड होता है और वो लिक्विड बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रहता है तो उससे ये अचार खराब होने की चांसेस रहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये सारे जो मिर्च हैं इन्हें डंठल हटा के और ये कटिंग करके अच्छे से धूप में सुखा लिया है, और ये बिल्कुल तैयार है अचार के लिए। साथ में हम लेंगे नमक, हम यूज करेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज करेंगे क्योंकि मिर्च के अचार में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, बहुत ही कम सामानों के साथ बनाएंगे, ज्यादा सामान बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे अचार के लिए, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा सिर्फ इन्हीं सामानों के साथ। ये है राई। राई बारीक दानों वाली होती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं राई में और सरसों में। तो ये जो बारीक दाने वाली होती है ये राई होती है, और राई खट्टा करती है अचार को। तो ये राई है एक बाउल, और ये है सौंफ। सौंफ में थोड़ी मिठास होती है जो कि मिर्च का तीखापन कम करते हैं, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार के अंदर। राई और सौंफ मैंने दोनों बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। इसके बाद अजवाइन, अजवाइन सिर्फ मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये जो अजवाइन के छोटे छोटे दाने होते हैं ये सिर्फ 2 चम्मच यूज करनी है अचार के लिए। और इस पूरे अचार का जो खास इंग्रेडिएंट है वो है ये आप देख के तो समझ ही रहे होंगे, ये है लहसुन। और आप सोच रहे होंगे कि मिर्च के अचार में लहसुन की क्या जरूरत, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टेस्टी भी है, इससे रेसिपी बनती है। तो ये जो लहसुन है इसका यूज हम सिर्फ मिर्च के ही अचारों में करते हैं, बाकी और अचारों में इसका यूज नहीं करते। तो मिर्च के अचार में इस लहसुन की खास बात यह है कि ये मैंने एक लहसुन का पूरा फूल की कलियां छील के और इसका मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है, और इस लहसुन से इस मिर्च के अचार की बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये वैसे आप चाहें तो ये ऑप्शनल भी है, जो लोग लहसुन नहीं खा सकते बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं और अचार परफेक्टली तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप लहसुन खाते हैं तो प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, इससे बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। तो लहसुन हो गया है, तो चलिए अब तैयार करते हैं मिर्च का अचार बनाना। चलिए गैस ऑन करके कढ़ाई रखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका मसाला तैयार करना। तो उसके लिए मसाले के लिए जो ये सौंफ और राई है, पहले हम इसे सूखा ही बिना तेल के, कढ़ाई में कोई तेल नहीं डालेंगे, इन्हें थोड़ा सा हम सूखा ड्राई ही इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस फ्राई करने से क्या होता है कि अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हम इसमें थोड़ी सी, जब तक खुशबू नहीं आने लगती, इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं सौंफ, और साथ में ही हम डाल देंगे इसमें अजवाइन। इन्हें हम भूनेंगे जब तक कि इस मसाले में से खुशबू नहीं आने लगेगी, तब तक इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। तो ये देखिए, ये मसाले जो है सामान भून चुके हैं अच्छे से, क्योंकि राई के चटकने की आवाज आ रही है और एक अलग ही खुशबू भी आ रही है मसाला तैयार होने की। अब हम इसको इस कढ़ाई में से निकाल लेंगे, निकाल के और दरदरा पीसेंगे। तो इसे मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। मिक्सी के जार में ये हमने निकाल लिया है, और अब हम इसे जो है दरदरा पीस लेते हैं अचार के लिए, जैसे कि तैयार किया जाता है। गैस ऑन करके कढ़ाई रखे और तेल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि तेल को जो है गर्म करके और फिर उसे ठंडा करके यूज किया जाता है अचार के लिए। तो तेल को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम कढ़ाई के अंदर
सरसों का तेल डाल देते हैं और मैं तेल जैसे कि कहा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगी अचार के लिए, क्योंकि अगर तेल अचार में होगा तो जल्दी खराब होने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो ये देखिए मैंने तेल मिर्च के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है। अब इसे एक बार हम गर्म करेंगे अच्छे से। हो चुका है 5 से 10 मिनट रखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, काफी पक चुका है क्योंकि धुएं उठ रहे हैं, तो यानी कि ये तेल हमारा परफेक्टली तैयार है। तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस तेल को थोड़ा ठंडा करेंगे। तेल को हम गर्म इसलिए करते हैं जिससे कि तेल के कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो अचार के अंदर नहीं आए। तो उसके लिए हम तेल को पका लेते हैं और फिर जो अचार में हम यूज करते हैं तो अचार खराब भी नहीं होता है। लीजिए तेल लगभग ठंडा ही हो चुका है, थोड़ी सा ही गर्म है। तो अब इस टाइम पे जब ये हल्का सा गर्म रह चुका है तो हम इस लहसुन का यूज करेंगे। और लहसुन को हम इस टाइम पे इसलिए डालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते लहसुन कच्चा रहे। लहसुन कच्चा रहेगा तो खाने में टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जब हम इसे हल्के से ऑयल गर्म ऑयल में से डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से खुशबू कर देगा पूरे अचार के अंदर और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग लहसुन खाते हैं वो इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए अचार के अंदर। देखिए ये हमने इसमें डाल दिया है, तेल हल्का गर्म है और ये लहसुन बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगा। अब इसे हम मिक्स करेंगे अचार के मसाले में। ये देखिए लहसुन क्योंकि हमें पकाना था इसलिए हमने थोड़े से गर्म तेल में लहसुन को डाला है। यकीन मानिए आप इस तरीके से अचार बनाइए, आपका अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब अचार के डिब्बा खोलते हैं ना, पूरे घर में अचार की बहुत अच्छी खुशबू आती है सिर्फ और सिर्फ इस लहसुन की वजह से। तो ये लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं मसाला। तो ये देखिए ये मसाला हमने पीस लिया है, पीस के इस तरह दरदरा तैयार करना है मसाले को। अचार के लिए थोड़ा दरदरा ही रखते हैं मसाला। अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। और नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे मिर्च के अचार के लिए। मैंने लगभग 2 से 2.5 चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है, लेकिन छोटी चम्मच है। अच्छे से इसे मिक्स करते हैं नमक को। अब इसमें तेल डालते हैं। तो जो ये हमने तेल तैयार करा है लहसुन का, अभी हमने थोड़ा तेल बचा लिया है, थोड़ा इसमें मसाले में लिया है क्योंकि अभी मसाले में ज्यादा ऑयल नहीं डालना है हमें, सिर्फ मसाले को गाढ़ा करना है जिससे कि हम मिर्च के अंदर आसानी से भर सकें। अच्छे से सारा मसाला मिक्स कर लीजिए। देखिए मसाला अच्छे से तैयार है और हम इसे मिर्च के अंदर स्टफिंग करते हैं। मिर्च के अचार के लिए मिर्च इस तरीके से खोल लेंगे और मैंने बीज इसके लिए नहीं निकाले हैं, मिर्च के अंदर ही रखे हैं। आप चाहें तो बीज निकाल के भी अब इसमें हम मिर्च को यूज कर सकते हैं। मसाले को ऐसे डालेंगे इसके अंदर। कुछ लोग इस मसाले के अंदर हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि अगर आपको हल्दी चाहते हैं तो आप डाल लीजिए, लेकिन मिर्च के अचार में हल्दी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हम
सभी अचारों को अच्छे से भर लेंगे। लीजिए ये सभी मिर्चों को अच्छे से हमने फिल कर लिया है मसाले से, और ये थोड़ा सा इसमें मसाला बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, उसे हम डिब्बे में यूज कर लेंगे। तो अब ये मिर्ची अच्छे से हम भर चुके हैं, अब हमें एक कोई कांच का जार ले लेंगे जिसमें कि हम अचार को रखेंगे। तो इस जार में हम मिर्चियों को, इस जार को अच्छे से धो के सुखा लीजिएगा कि इसमें भी पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। इसके अंदर हमने सारे मिर्च के जो ये हैं रख दिए हैं, बाकी की जो मिर्च है हम दूसरे जार के अंदर रख देंगे। तो इस तरीके से मिर्च जार के अंदर डालने के बाद उसमें हम जो ये मसाला है बच रहा है थोड़ा सा, ये डालेंगे ऊपर से। मसाला ऊपर से डालने के बाद अब जो ये ऑयल बचा हुआ है इससे ये पूरा का पूरा डिब्बा हम अच्छे से फिल कर देंगे। जी तो इसमें मैंने ऑयल अच्छे से डाल दिया है, अब इसको ढक्कन बंद कर देते हैं, हल्का सा हिला देते हैं। लीजिए तो ये मिर्च का अचार अच्छे से हमने ढक्कन बंद कर दिया है, कांच की बोतल में है, लेकिन ये अचार तैयार है लेकिन खाने लायक अभी नहीं है। खाने के लिए इसे आपको 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ेगा जिससे कि मिर्च अच्छे से गल जाए और मसालों का टेस्ट इसके अंदर आ जाए, और बहुत ही टेस्टी अचार बनके तैयार होगा। यकीन मानिए आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा लहसुन के साथ। और लहसुन का जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ मिर्च के अचार के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी और किसी अचार के लिए हमने लहसुन का यूज नहीं किया है। तो इसे सिर्फ आप मिर्च के ही अचार में यूज करके देखिए और आपको कितना ज्यादा अच्छा टेस्ट, बहुत ही एक अच्छी खुशबू आती है जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तैयार होने के बाद। तो आप इसे 10 से 15 दिन के लिए रखिए और उसके बाद आप इसे खाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरे अचार की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।